स्वागत है आप सभी का। आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में कोई भी फाइल व्हाट्सएप कैसे करोगे। मतलब कुछ भी व्हाट्सएप करना हो तो आप कैसे व्हाट्सएप कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे अभी स्पेशली जो बताने वाला हूँ, WPS से कोई फाइल अगर हम बनाते हैं तो उसे कैसे हम व्हाट्सएप करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले WPS को ओपन करूंगा। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और इसको मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ ताकि, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहां भी इतना नहीं आता है तो आप इसे जो हमारे पार्ट 1 2 है उनको देख लीजिए, अगर यहां तक आपको खोलना नहीं आता है तो। अब यहां पे मैं एक नया फाइल बनाता हूं फटाफट। यहां पे मैंने क्लिक कर दिया, यहां पे मैं डबल टैप करूंगा, यहाँ पे मैं नाम टाइप करूंगा अपना, आपकी इच्छा हो जो भी आप नाम टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पे नाम टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद में मैं इसे सेव पर क्लिक करूंगा। ध्यान रखिए ये हमारा सेव वाला बटन है, हमने इस पे क्लिक कर दिया यहाँ पे सेव पर। अब देखो सबसे जो जरूरी चीज है वो सेव कहाँ कर रहे हो। अगर किसी ने गलती कर दी, सेव करने मतलब है कि इस जगह पे सेव हो रहा है, यहाँ पर सेव नहीं करना है, ये ऑनलाइन सेव हो जाएगा। सेव कहाँ करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है तो इसमें पूछेगा कहाँ सेव करना है, लोकेशन। लोकेशन यहाँ पूछ रहा है तो भैया मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फोन के अंदर आपको सेव करना है जहां आपकी इच्छा हो। तो मान लो मैं सेव करना चाहता हूँ इसे कहाँ पे, डाउनलोड के अंदर सेव करना चाहता हूँ। सभी के अंदर डाउनलोड वाला फोल्डर मिल जाता है आसानी से। अब यहाँ पे मैं अपना नाम चेंज करूंगा, राज मैंने लिख दिया यहाँ पे और सेव पर मैंने क्लिक कर दिया। ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब इसको क्या करना है, इसे बीचों बीच वाली बटन, ये वाली बटन पे आपको क्लिक करके मिनिमाइज कर लीजिए अपने फोन को। वापस आपको क्या करना है अब बताने वाला हूं। इसको स्क्रॉल करिए, जहां ढेर सारे एप्लीकेशन आपके होते हैं इस सर्च बॉक्स में जाइए, फाइल सर्च करिए। अगर आपको मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है फाइल वाला, तो इसमें ढूंढना है। कैसे ढूंढना मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे आप स्क्रॉल करते जाइए और देखिए कि आपके मोबाइल में फाइल वाला कहाँ पर दिया हुआ है। जैसे देखिए मेरे में फाइल यहाँ दिया हुआ है, ये वाला एप्लीकेशन मेरा फाइल वाला दिया हुआ है यहाँ पर है। तो ये जो एप्लीकेशन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, ये फाइल वाला है। एक तो ये फाइल का है, हो सकता है किसी में एक ही हो किसी में दो हो, हमारे में दो ऑप्शन दिया हुआ है फाइल का। तो मैं कहाँ है दूसरा वाला, मुझे दिख ही नहीं रहा है दूसरा। चलो कोई बात नहीं है, मैं इसी वाले पे जाता हूँ। किसी में हो सकता है इसका नाम ज्यादा अलग हो, कुछ फाइल मैनेजर हो या कुछ और नाम भी हो सकता है। तो जैसे आप इस तरह का भी खोले हो तो आपको ये आइडिया होगा कि कौन से वाले में है आपकी। अब इसमें आ गए आप। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सीधा डाउनलोड वाला बटन दिया हुआ है, तो यहां से जा सकते हो या यहां से सीधा जाओ, फोन स्टोरेज लिखा हुआ है। अब इस वाले में आने के बाद में सीधा डाउनलोड पर क्लिक करो, इसमें ढूंढो कि आपका जो फाइल है वो कहाँ पर दिया हुआ है, या यहाँ पे सर्च वाले क्लिक कर दो और यहाँ लिख दो। तो यहाँ पे राज नाम का कोई भी आ ही नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट्स राज नाम से कोई आ नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि इस वाले फोल्डर में अभी हमारे सेव नहीं हुआ है। नहीं यहाँ पे देखो आ रहा है ये राज, तो ये क्यों नहीं आ रहा है लेकिन अभी यहाँ पे राज डॉट लगाना पड़ेगा अभी यहाँ पे हमें, PPTX ये अभी भी नहीं फाइंड कर पा रहा है, सर्च नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये फाइल हमारे इसमें आ गया है। तो ये हमारे पास फाइल आ गई है। ये फाइल हमारी या कोई भी फाइल आपको अगर भेजना ही है तो इस पे क्या करना है, क्लिक रखना है, ठीक है ना। जैसे टिक करके रखोगे थोड़ी देर तो टिक हो जाएगा, इसको थोड़ी देर दबाए रखना है। समझ में आ रहा है नहीं, कि इसको थोड़ी देर दबाए रखना है। फिर इसमें देखो आएगा सेंड का ऑप्शन या शेयर का ऑप्शन, किसी में आएगा इनमें या इनमें कहीं भी होगा। तो देखो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। अब ये खुल गया। अब हम यहाँ पर हम
यहां पर भेज देते हैं। इस तरीके से आप जो भी फाइल भेजना चाहते हो आसानी से भेज सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।